कल यानी कि 29 मई को पूरे दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अपना मिजाज बदला था और कल शाम को हल्की हल्की बारिश हुई थी, जिस वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिला। लेकिन आज यानी कि 30 मई को मौसम ने अपना फिर से मिजाज बदला और गर्मी काफी तेज पड़ रही है। इस वक्त मैं साउथ दिल्ली के लाजपत नगर फ्लाईओवर के पास खड़ी हूँ। अगर मैं समय की बात करूँ तो 3 बज रहे हैं और इस वक्त 45 से 46 डिग्री पार कर चुकी है गर्मी। वही बता दें कि इस बार दिल्ली एनसीआर में गर्मी को लेकर बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े गए हैं और बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाए गए हैं। कल यानी कि 29 मई को दिल्ली एनसीआर का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया है। बता दें कि यह 79 साल के बाद इस रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। आज से ठीक 1945 में 17 जून को 46.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जिसे सबसे गर्म दिन के तौर पर रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन कल इस रिकॉर्ड को दिल्ली एनसीआर में मुंगेशपुरी इलाके ने तोड़ दिया है और 52.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया है। गर्मी ज्यादा पड़ने से दिल्ली एनसीआर के लोगों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें काफी दिक्कतें हो रही है, जिस वजह से सरकार ने 12 से 3 बजे तक के बीच में लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। गर्मी की वजह से लोगों को हीट वेव और हीट स्ट्रोक का भी सामना करना पड़ रहा है। तो बता दें, आगे के मौसम अपडेट की बात करें तो हो सके तो जून जुलाई में मानसून आ जाएगा और गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी।